वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कशन करूंगा NFL क्वेश्चन पेपर 2021, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं RFCL NFL का तरफ से जो रिक्रूटमेंट 2020 का लास्ट में आया था, इसका एग्जामिनेशन 2021 में कंडक्ट हुआ था, जिसका पेपर सॉल्व करवाने के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट रिक्वेस्ट किया था। तो इसीलिए मैं आज ऑफिशियल पेपर आप लोगों का सामने लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं फीटर पोस्ट का पेपर है, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। पेपर कोड आपको देखने को मिल जाएगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा, कैंडिडेट नेम और कैंडिडेट आईडी मैं हाइड कर दिया हूँ फॉर सेफ्टी पर्पस। तो जो भी स्टूडेंट इस बार NFL में कोई भी पोस्ट में आप लोग फॉर्म फिलअप किए हैं, तो वो सभी स्टूडेंट के लिए इस पेपर हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसका जो सेक्शन बी में नॉन टेक्निकल का 50 क्वेश्चन रहता है वो मैं आज डिस्कशन करूंगा। 50 क्वेश्चन आप लोग अगर ध्यान से देखते हो तो आप लोग को पता चल जाता है इंग्लिश का कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, मैथ का कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग का कौन सा पार्ट से क्वेश्चन आएगा, GK और करंट अफेयर्स कहाँ से पूछे जाएगा। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं ओनली नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। तो आप लोगों को एक बार मैं अलर्ट करना चाहता हूं, यूट्यूब में अगर आप लोग सर्च करते हैं NFL PBICR क्वेश्चन पेपर, तो आप लोगों को एक चैनल का तरफ से देखने को मिल जाता 2-3 वीडियो, लेकिन वो PBICR क्वेश्चन पेपर का वीडियो नहीं है, वो जस्ट कोई ना कोई दूसरा एग्ज़ाम का पेपर जो TCS द्वारा कंडक्ट कराया गया था, तो उसका पेपर वो एडिट करके NFL लिख देता है, तो वो पेपर ऑफिशियल पेपर नहीं है। वीडियो का थंबनेल में NFL PBICR क्वेश्चन पेपर लिख के जस्ट आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो कुछ स्टूडेंट इसका पिछला वाला जो पेपर मैं सॉल्व कराया था 2019 में, जिसमें मैं एग्ज़ाम दिया था, तो उस पेपर सॉल्व कराते टाइम एक दो स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर पेपर तो नहीं मिलता है, ये फेक पेपर है, क्यों हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो आज तक मैं किसी का इमोशन लेके, कोई भी स्टूडेंट का इमोशन लेके कभी खेला भी नहीं है और खेलना चाहते भी नहीं है। जो पेपर ऑफिशियल है मेरा पास रहता है, वही मैं सॉल्व करवाने का कोशिश करता हूँ। तो अगर आप लोग को लगता है कि वो वाला पेपर फेक है जो स्टूडेंट सोचते हैं, तो अभी आप लोग 2021 वाला देखिए, क्योंकि 2021 में तो 90% स्टूडेंट आप लोग एग्ज़ाम दिए थे, तो वो अभी भी फॉर्म फिलअप किए, तो वो सभी स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था कि नहीं। तो अगर आप लोग इस पेपर को देखते तभी आप लोग को पता चलेगा जहाँ ये ओरिजिनल पेपर है, और पिछला वाला भी जो पेपर मैंने सॉल्व कराया था वो भी ओरिजिनल पेपर था, क्योंकि 2019 में जितना भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए वो अगर वीडियो देखा है तो वो सभी स्टूडेंट जानते हैं वो ऑफिशियल पेपर था। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए, और जितना भी आप लोगों का दोस्त है सभी दोस्त के साथ वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज मैं डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं सेक्शन बी में आ गया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन 101 नंबर का, इसमें आपको बोला है इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पाइनएप्पल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 पाइनएप्पल, द लॉस और गेन परसेंटेज इज, मतलब परसेंटेज चैप्टर से आप लोग को क्वेश्चन आने वाला है, और इधर आपको क्या बोला है 40 पाइनएप्पल का जो सेलिंग प्राइस है SP जो है वो 50 पाइनएप्पल का कॉस्ट प्राइस का साथ समान है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, इधर आप लोग का प्रॉफिट हो रहा है 50 का, जितना भी पैसा में खरीद रहा था तो वो 40 जब बेचेगा उतना पैसा का साथ इक्वल हो रहा है। तो एक्चुअली आप लोग बोल सकते कि 40 में जब SP 40 है तब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, जब 1 हो जाएगा तब 10/40 हो जाएगा, जब SP 100 हो जाएगा तब लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट है तो 10/40 × 100, तो कटने के बाद क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं कटने के बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा 25% गेन, मतलब 25% प्रॉफिट होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, चूज़ द मोस्ट सुइटेबल वर्ड। तो इंग्लिश से क्वेश्चन आया है जिसमें आप लोग को मोस्ट सुइटेबल वर्ड आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ही इज़ डैश टू ड्रिंकिंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं एडिक्टेड होता है। ठीक है, तो एडिक्टेड का बाद ही टू होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट लेडी कैडेट इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में पहली महिला कैडेट कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार ऑप्शन में से, ऑप्शन नंबर ए प्रिया जिनगन। क्वेश्चन में आपको पूछा था फर्स्ट लेडी कैडेट इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में पहली
महिला कैडेट कौन थी? तो प्रिया झिनगन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। तो आप लोग अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का आने वाला है। तो इससे पहले 2019 का जो वीडियो क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैंने बनाया था, तो लिंक वीडियो का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो आप लोग चाहते हैं तो आप लोग PBS वीडियो भी देख सकते हो, वो आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बिजी। तो बिजी का करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्चुअली आप लोग जानते हैं एंगेज, तो एक्चुअली अगर एंगेज्ड रहता है तब हो जाता है, या एक्टिवली एंगेज जब रहता है तब बिजी उसका सिनोनिम होता है, लेकिन इधर जब ऑक्यूपाइड दिया है तो ऑक्यूपाइड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो बिजी का सिनोनिम ऑक्यूपाइड होता है, अगर ऑप्शन में एक्टिवली एंगेज दिया रहता तब एक्टिवली एंगेज राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफे मेडल इज मोस्ट डिसिमिलर टू। तो एक वर्ड आपको दिया है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, एंड्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, हु अमंग द फॉलोइंग नॉन इंडियन वॉज कॉन्फर्ड इंडियाज हाइस्ट नेशनल अवार्ड भारत रत्न? इंडियाज हाइस्ट नेशनल अवार्ड भारत रत्न कौन सा नॉन इंडियन को दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मैंडेला। अगर मादर टेरेसा ऑप्शन में रहता तो मादर टेरेसा भी हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग का इंग्लिश से जो पूछा गया है वो सिनोनिम और एंटोनिम से पूछे जाते हैं, और सूटेबल वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों चैप्टर आप लोग को अच्छा से पढ़ के जाना पड़ेगा। इधर एक आप लोग को वर्ड दिया है गर ब्लेड, तो इस वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेम टू सेम मीनिंग हो जाएगा, अनइंटेलिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू एवर विन एन ओलंपिक मेडल? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्णम मालेश्वर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं जो आप लोगों का इजी क्वेश्चन है, जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जो डिस्कशन करने का नहीं है वो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके दिखा दूंगा। ओके, 110 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें आपको मिसिंग नंबर क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले 5, उसके बाद 10, उसके बाद 13 दिया है, मतलब सबसे पहले डबल हुआ है, 5×2 हुआ है, मतलब 10 हुआ है, उसके बाद जो नेक्स्ट संख्या हुआ 10 का साथ 3 ऐड हुआ, इसके बाद भी आप देख सकते हैं 13 का साथ डबल, मतलब अगर 2 से मल्टीपल करते मतलब डबल करते तो 26 होता है, उसके बाद हम लोग उसे 3 ऐड करते तो 29 होता है, इसके बाद आप देख सकते हैं 29 को अगर आप लोग डबल करते तो 58 आता है, उसके साथ 3 ऐड करते तो 61 आता है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 61 को डबल करना पड़ेगा, 61×2 क्या हो जाएगा, 122 राइट आंसर हो जाएगा। तो 122 का बाद भी अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, +3 मतलब 125 हो जाएगा, तो अभी 61 का बाद 122 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, डिस्कशन कर दे हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें आपको पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो इसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, पिछला जो वीडियो मैंने बताया था 2019 वाली, तो उसमें भी मैं आप लोग को बता दिया था, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है, बोला ऑफ ग्रेट वैल्यू एंड ब्यूटी, जो चीज़ का बहुत ज़्यादा वैल्यू और ब्यूटी होता है, सौंदर्य होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंपल वर्ड में प्रीसियस कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, विच कंट्री हैज़ साइंड एग्रीमेंट विथ यूनिसेफ टू सप्लाई न्यूमोनिया वैक्सीन टू लो इनकम नेशन एट अफोर्डेबल रेट्स? कौन सी देश ने सस्ती दर पर कम आय वाली देश को नमोनिया वैक्सीन की सप्लाई के लिए यूनिसेफ का साथ समझौता किए हैं? तो कौन सा कंट्री किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अल्टीमेट। अल्टीमेट वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, मतलब विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीलिमिनरी। क्योंकि आप लोग जानते हैं अल्टीमेट मतलब क्या होता है, आखिर होता है, मतलब लास्ट होता है, और प्रीलिमिनरी मतलब क्या, शुरुआत होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर का क्वेश्चन है, तो टाइम एंड डे का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, तो आप देख सकते हो बोला अजय और विजय एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, विजय और कमल एक साथ सेम
काम को 24 दिन में कर सकते हैं, कमोलर अजय जब करता है तो 20 दिन में सेम काम को कर सकते हो। तो 10 दिन उन लोग काम करते एक साथ, उसका बाद विजय और कमोल छोड़ देते काम, उसका बाद बाकी काम को अजय कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लेना और एक बार, और पूरा वीडियो को आप लोग देखना, और इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करना पड़ेगा ये आप लोग देखना। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट द टोटल टास्क इज वन, ठीक है। तो वन पार्ट टोटल टास्क है मान लेते हैं, तो ठीक है। तो अजय और विजय क्या बोला है, तो ये 30 दिन में एक काम कर सकते हैं, तो 30 डेज में टोटल पार्ट ऑफ काम क्या एक पार्ट कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना करेगा, वन डे में करेगा 1/30। तो वैसे अगर हम लोग करते विजय और कमल, तो विजय और कमल कितना करेगा एक दिन में करेगा 1/24, ओके। और अगर बात करते कमल और अजय, कमल और अजय क्या करेगा एक दिन में 1/20 पार्ट काम करेगा, ठीक है। तो ये सभी मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक दिन में इतना काम कर सकते हैं। तो अगर तीनों को अगर एक साथ ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को सबसे पहले आएगा, आप देख सकते हैं अजय प्लस विजय, मतलब ए प्लस वी प्लस आएगा वी प्लस के प्लस के प्लस ए, तीनों का अगर आप लोग ऐड कर देते तो टोटल कितना आ जाएगा, इजिकल टू आ जाएगा 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/20 आ जाएगा। और इधर आप लोगों को क्या आ जाएगा, 2 ए प्लस वी प्लस के, ठीक है, मतलब अजय प्लस विजय प्लस कमल आ जाएगा। तो इधर आप लोगों का ये जो काम है तो एक दिन में हो रहा है, तो ये आपको कैसे निकालना पड़ेगा, ये आप लोग को एलसीएम करना पड़ेगा, एलसीएम 120 आ जाएगा। तो सबसे पहले 4, उसका बाद आप लोग आएगा 5, उसका बाद आ जाएगा 6, ओके। तो ए प्लस वी प्लस के, अजय विजय और कमल, तो ये तो आप देख सकते हैं डबल हुआ है, तो इसको आप लोग को नीचे ले लाना पड़ेगा। तो ए प्लस वी प्लस के, तो एक दिन में कितना करेगा आप देख सकते हैं, इधर आप लोग अगर ऐड करते तो 15/120 होता है। तो एक दिन में जब भी करेंगे तो डबल आ रहा है, तो नीचे 2 आ जाएगा। तो कटने के बाद आप लोग को क्या हो जाएगा आंसर, तो कटने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 1/16, मतलब अजय विजय और कमल एक दिन में 1/16 पार्ट काम कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग को क्वेश्चन में पूछा था कि एक दिन में टोटल मतलब 10 दिन तक उन लोग एक साथ काम करते हैं, मतलब अगर एक साथ एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 16 पार्ट 1/16 पार्ट काम कर सकते हैं। तो एक दिन में अगर 1/16 पार्ट काम करेगा तो 10 दिन में कितना करेगा, 10/16 पार्ट, तो क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। तो 5/8 काम कर दिए हैं, और बाकी काम कितना रहेगा, तो बाकी काम तो टोटल काम एक था, तो उससे 5/8 माइनस करना पड़ेगा, तो 3/8 पार्ट बाकी काम रह जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन में आपको बोला जो बाकी काम है 3/8 पार्ट काम है, ये काम को ए कितना दिन में, मतलब अजय कितना दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ए निकालने के लिए आप लोग को सबसे पहले करना पड़ेगा अजय एक दिन में कितना काम कर सकते, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं विजय और कमल एक दिन में 1/24 पार्ट काम कर सकते हैं, और मैं आप लोग को बोला था अजय प्लस विजय प्लस कमल एक साथ में एक दिन कितना काम कर सकते, 1/16 पार्ट, ठीक है। तो 1/16 पार्ट कितना था, ए प्लस वी प्लस के, तो इससे अगर आप लोग माइनस कर देते विजय और कमल का, तो ये क्या हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। इसके बाद एलसीएम करने के बाद क्या हो जाएगा, तो आप लोग का एलसीएम आ जाएगा 48, तो 3-2 हो जाएगा, मतलब 1/48 पार्ट काम कर सकते हैं एक दिन में अजय, ठीक है। तो अजय एक दिन में 1/48 पार्ट काम कर सकते हैं, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/48 पार्ट काम अजय कर सकते हैं एक दिन में, ठीक है। तो एक पार्ट काम कितना दिन में करेगा, 1/1/48, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर करेंगे तो 48 रिवर्स होके हो जाएगा, और इसमें आप लोग का टोटल काम बाकी कितना था, 3/8 पार्ट काम बाकी है। तो 3/8 पार्ट अजय कितना दिन में करेगा, 48 × 3/8, इसको आप लोग अगर काटते तो 8 × 6, तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल 18 आ जाएगा, मतलब जो बाकी काम होता है तो वो अजय 18 दिन में कंप्लीट कर सकते। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबसे पहले आप देख सकते दोनों एक साथ काम कर रहा था, तो वो आप लोग को देखना पड़ेगा। तो दोनों अजय और विजय एक दिन में 30 दिन में एक काम कर सकते, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/30, वैसे विजय और कमल एक दिन में 1/24, और कमल और अजय एक दिन में 1/20। तो तीनों मिलके अगर एक दिन में काम करते तो कितना करेगा, तो एक दिन में काम करेगा तो टोटल को ऐड कर देना पड़ेगा, तो ये तो 2 आ गया, तो इसको 2 से जब भी आप लोग डिवाइड करेंगे, तो एक दिन अगर अजय विजय और कमल काम करते तो एक साथ अब
उन तीनों एक दिन में 1/16 पार्ट काम कर सकते। तो बोला वैसे वो 10 दिन काम किए, तो 10 दिन में कितना होगा, एक दिन में 1/16 पार्ट काम करता तो 10 दिन में कितना करेगा, 5/8 पार्ट हो जाएगा कटने के बाद। ओके, तो टोटल कितना पार्ट काम रहता है, 1 पार्ट, उससे अगर आप लोग 5/8 को माइनस करते तो 3/8 पार्ट काम बचा रहता है। तो एक किसने किया, अजय कंप्लीट किया है। तो अजय का तो एफिशिएंसी आप लोग को अलग से मालूम नहीं है, तो आप लोग को ए प्लस बी प्लस के मतलब अजय प्लस विजय प्लस कमल आप लोग को क्या बोला, एक दिन में 1/16 पार्ट कर सकते हो, और आप लोग को बोला था विजय और कमल एक दिन में 1/24 पार्ट काम कर सकते हैं। तो उससे अगर आप लोग माइनस कर देते हैं विजय और कमल को तो क्या आ जाता है, 1/48 पार्ट आ जाता है, अजय काम कर सकते हैं एक दिन में। ओके, तो इसको जस्ट रिवर्स करके आप लोग को लिखना पड़ेगा कि अजय 1/48 पार्ट काम कर सकते हैं एक दिन में, और 1 पार्ट काम कितना दिन में करेगा, 48 डेज में करेगा। तो 3/8 पार्ट काम जो बचा है उसको करने में कितना टाइम लगेगा, 16 डे, मतलब 16 दिन का टाइम लगेगा अजय को काम कंप्लीट करने में। ओके, समझ में आ गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन जनरली इजी पूछा जाता है, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आप लोग को पूछा है थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा है। तो आप लोग को मैं बता दिया हूँ कैसे कैसे करना पड़ेगा। 115 नंबर का क्वेश्चन में बोला है, इन व्हिच ईयर डिड महात्मा गांधी अनाउंस द क्विट इंडिया मूवमेंट टू रिमूव ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब किए थे महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी कब अनाउंस किए थे क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के या ब्रिटिश गवर्नेंस को इंडिया से हटाने के लिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, 1942 साल में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, इन 2011 व्हिच इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज ऑनर्ड विथ बांग्लादेशी स्वाधीनता सम्मान होना अवार्ड बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट द्वारा 2011 साल में कौन सा प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेशी स्वाधीनता सम्मान होना अवार्ड दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी को दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, व्हिच इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा चावल उत्पन्न होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वाज इनिशिएटेड बाय द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा कर शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घड़ी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी घड़ी कर को सबसे पहले स्टार्ट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, व्हाट डिड युवराज सिंह मेक हिज ओडीआई डिब्यूट। युवराज सिंह ने अपना वनडे पदार्पण कहाँ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी केनिया में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, नेशनल सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल सिविल सर्विस डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है, तो 21 अप्रैल इज द राइट आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 नंबर का, इसमें आपको 3 सेंटेंस दिया गया है, तो इसमें से कोई भी अगर मिसस्पेल्ड वर्ड है, कोई भी वर्ड का स्पेलिंग गलत है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन। ठीक है, तो अगर किसी में भी मिस्टेक नहीं है तो नॉन ऑफ द अबव या नो मिस्टेक ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इन तीनों चेक करने के बाद आप देख सकते हैं कोई सेंटेंस में भी कोई भी वर्ड का स्पेलिंग गलत नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो मिस्टेक। तो आप लोग को एक्चुअली देखना चाहिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से भी आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग को घुमा के दिया, 3 सेंटेंस आप लोग को प्रोवाइड कर दिया और कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, बीइंग ए डायरेक्ट रिलेटिव ऑफ द डिक्रीज हर क्लेम टू द एस्टेट वॉज। तो फिल इन द ब्लैंक या सूटेबल वर्ड क्या हो जाएगा, ये आपको डालना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेगिसमेट। ठीक है, तो आप लोग को सेंटेंस ऐसे दे देगा, ये कभी कॉमन नहीं आएगा, तो आप लोग को सुटेबल वर्ड आप लोग का हिसाब से लगाना पड़ेगा कौन सा राइट आंसर हो सकता है। ओके, तो वैसे ही सुटेबल वर्ड से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, द वायलेंट इंसिडेंट एट चौड़ी चौड़ा इन उत्तर प्रदेश ऑकर्ड ड्यूरिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। हिंदी में आप देख सकते उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौड़ा में हुए हसी घटना निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन का दौरान हुए थे। तो उत्तर प्रदेश में जो चौड़ी चौड़ा में वायलेंट इंसिडेंट हुआ था, तो कौन सा मूवमेंट के लिए हुआ था, नॉन कोऑपरेशन,
असहयोग आंदोलन के लिए हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 आप देख सकते हैं, इसमें आपको बोला है फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। तो एक रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग को दिया है, इस सीरीज में रॉन्ग नंबर कौन सा है ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखते हैं तो कैसे माइनस हो रहा है, 24 से माइनस हो रहा है, इसके बाद 21 से, मतलब क्या है, सबसे पहले 24 से हो तो उसके बाद 21, मतलब तीन तीन करके माइनस हो रहा है। इसके बाद क्या होना चाहिए, एक्चुअली 18 से माइनस होना चाहिए था, लेकिन ये कितने से माइनस हो गया, 17 से माइनस हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है 128, तो ये 128 नहीं होना चाहिए था, तो ये एक्चुअली होना था 127। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एक गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, एक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो करंट अफेयर क्वेश्चन ये कॉमन नहीं आएगा क्योंकि बहुत पहले का है, तो आप लोगों को करंट आप लोगों को याद करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, व्हिच वर्ड मीन्स द अपोजिट ऑफ सेम फूल। तो एक वर्ड दिया है सेम फूल, सेम फूल का अपोजिट वर्ड क्या हो जाता है, विपरीत शब्द क्या हो जाएगा। सेम फूल मतलब क्या होता है, जो शर्माने का बात होता है या शर्माना जिसको कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑनरेबल, मतलब जो बहुत ज़्यादा श्रद्धेय होता है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, बोला है अमन, विमल और चंदू इन तीनों लड़का का एवरेज वेट 45 किलो है, और बोला है जब अमन और विमल है इन दोनों का एवरेज वेट 40 किलो है, और विमल और चंदू का जब एक साथ होता है तब 43 केजी इस इन दोनों का एवरेज वेट है, तो बोले विमल का वेट कितना हो जाएगा ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों ए बी सी, अमल विमल और चंदू का एवरेज वेट अगर 45 होगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा, 45 × 3 तो 135 हो जाएगा। जब अमन और विमल होता है, ए प्लस बी होता है, तब 40 किलो एवरेज होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ओके, और जब विमल और चंदू होता है, बी प्लस सी होता है, तब 43 किलो होता है, तो दोनों का टोटल कितना वेट हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी टोटल अगर आप लोग करते तो टोटल कितना आ जाता है, 80 + 86 टोटल आ जाएगा 166 आ जाएगा। इधर से आपको 166 से जो टोटल तीन लड़का का जो टोटल वेट है 135, इससे माइनस कर देना पड़ेगा। माइनस करने से क्या आ जाएगा, 1 और 31, तो 31 ईयर्स हो जाएगा विमल का एज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, इन व्हिच ईयर अटल बिहारी वाजपेयी वाज अवार्डेड पद्म विभूषण। अटल बिहारी वाजपेयी को कौन सी वर्ष पद्म विभूषण में सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 साल में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, सिंस हिज वर्क प्लेस वॉज सो बिजी एंड नॉइजी ही लॉन्ग्ड मोस्ट ऑफ ऑल फॉर डैश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉलिट्यूड। ठीक है, तो ऐसे आप लोग का सूटेबल वर्ड या फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग का क्वेश्चन आएगा, तो एक कभी कॉमन नहीं आएगा, फिर भी आप लोग को एक अंदाजा से लगाना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं, एक आप बोल सकते हैं आप लोग सीपी और एसपी से क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्वेश्चन, तो इसमें 20 dozen टॉयज हैं। ओके, पार्ट डजन का कितना रेट है, 375 rupees है। ओके, और ये बोला है जब ये बेच रहा है, खरीदने का टाइम 20 dozen के लिए 20 dozen लिया था, और एक एक डजन के लिए 375 rupees लिया था, तो टोटल कितना उसको लगा था, 20 × 375 हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, 7500 इतना रुपीज उसको लगा था, लेकिन जब वो बेच रहा है तो एक एक जो टॉय है, टॉय को 33 rupees में बेच रहा है। ठीक है, टोटल कितना खरीदा था, 20 dozen खरीदा था, 20 dozen मतलब क्या होता है, एक एक डजन में 12 रहता है, तो 20 × 12 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, इसको अगर आप लोग करते तो टोटल आ जाता है, आप लोगों का टोटल आएगा 7920 आएगा। ठीक है, मतलब अगर एक एक टॉय को अगर 33 rupees में बेचते हैं, तो टोटल उसका जो सेलिंग प्राइस होने वाला है 7920 rupees होने वाला है, उसका सीपी था 7500, तो इसका टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, 7500 में जब खरीद रहा है तो उसका टोटल प्रॉफिट हो रहा है 7920 से 7500 को माइनस करने से 420 आ जाएगा, तो 1 rupee में जब बेचेगा तो 420 / 7500 तो 100 में कितना उसका प्रॉफिट होने वाला है,
तो 100 में हो जाएगा, जब भी आप लोग कटेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5.6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 5.6% प्रॉफिट होगा। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें आप लोग को ट्रेन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है सेम स्पीड में, ठीक है, और बोला दोनों ट्रेन का लेंथ जो है 120 मीटर है, एक एक ट्रेन का लेंथ 120 मीटर करके है, और दोनों को क्रॉस करने में 12 सेकंड का टाइम लगता है, तो एक एक ट्रेन का स्पीड कितना होगा। तो बोला दोनों ट्रेन का स्पीड समान है, तो एक ट्रेन का निकाल लेते हैं, तो दोनों ट्रेन का मतलब दूसरा ट्रेन का भी स्पीड सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं, आप लोग को लिखना पड़ेगा, लेट द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इज एक्स मीटर पर सेकेंड, मतलब एक एक ट्रेन का स्पीड होता है एक्स मीटर पर सेकेंड। तो जब भी ऐसे बोलेगा कि दोनों ट्रेन एक साथ मूव हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन मूव हो रहा है, तो ऐसे आप लोग को रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन बोलता है तो एक्स प्लस एक्स हो जाता, अगर सेम डायरेक्शन बोलता है तो माइनस हो जाता, तो 2x मीटर पर सेकेंड हो जाता रिलेटिव स्पीड। ओके, तो ऐसे अगर आप लोग करते रिलेटिव स्पीड 2x हो जाएगा इजिकल टू, क्या आप लोग को ऑप्शन में दिया है दोनों ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा, 120 प्लस 120 हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे इसीलिए, और कितना टाइम लग रहा है 12 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो आप देख सकते हो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, तो क्या हो जाएगा, ये तो स्पीड निकल के आ जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बटा टाइम हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप लोग करते तो 2x इजिकल टू हो जाएगा 240 बटा 12, तो कटने के बाद 20 हो जाएगा, x इजिकल टू 10 हो जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया है एक एक ट्रेन का स्पीड। तो आप लोग को किलोमीटर पर आवर पे जब भी कन्वर्ट करने के लिए बोला है तो करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा, आप लोग को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से मल्टीपल करना पड़ेगा, जब भी आप लोग कटेंगे तो 36 किलोमीटर पर आवर राइट आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों ट्रेन का जो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, एक ब्लड रिलेशनशिप चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग को थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा। एक आदमी एक लड़की को बोल रहा है, तो एक मैन है, ठीक है, एक लेडी को बोल रहा है, तो ऐसे लेडी आप लोग को लिखना पड़ेगा, उसका बोला मदर, मदर का हस्बैंड मतलब क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं इसका पिता हो जाएगा, ये जो लेडी इसका पिता हो जाएगा, तो ऐसे आप लोग को रिलेशन करके करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, इसमें आप लोग को एक सीक्वेंस ऑफ नंबर दिया है जिसमें आप लोग को रॉन्ग नंबर निकलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कैसे बढ़ रहा है, दो बढ़ रहा है, उसका बाद 3, उसका बाद 5, उसका बाद 7, उसका बाद 11, उसका बाद आप लोग को क्या होना चाहिए, मतलब प्राइम नंबर से बढ़ रहा है, तो 11 का बाद और प्राइम नंबर क्या होता है 13 होता है, तो 153 का साथ 13 ऐड करने से क्या होता है 166 होता है, लेकिन 165 दिया है, तो 165 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, तो ये गलत दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, इसमें आप लोग को चार ऑप्शन दिया है, तो इसमें से ऑड वन आउट आप लोग को निकालना पड़ेगा, कौन सा थोड़ा अलग टाइप का है आप लोग को निकालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, इसमें भी आपको ऑड वन आउट निकालना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो 1 square 2 square 3 square 4 square, इधर 5 square होना चाहिए, मतलब 25 होना चाहिए, लेकिन वो 23 दे दिया, तो 23 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, अकबर पदमसी हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू व्हिच प्रोफेशन, अकबर पदमसी जिनका हाल ही में निधन हो गई है वो कौन सी पेशा का साथ रिलेटेड था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिस्ट। ठीक है, तो आर्टिस्ट, ये एक आर्टिस्ट था। ओके, ये भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका बाद 137 नंबर का क्वेश्चन में आप लोग को एक कोडिंग डिकोडिंग दिया है, तो सबसे जो बीच में है ये इंट्रोगेटिव साइन में क्या हो जाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कोडिंग और डिकोडिंग कैसे दिया है, तो आप देख सकते हैं सी का बाद क्या होता है डी ई होता है, मतलब प्लस टू होता है, ई का बाद क्या होता है ई एफ जी एच, मतलब उसके बाद 3 होता है, तो आप देख सकते हैं ओ का बाद क्या होता है पी क्यू होता है, मतलब 2, उसके बाद क्या होता है क्यू आर एस टी, ठीक है, मतलब 3 होता है, तो ऐसे पहले 2 बढ़ेगा उसके बाद 3 बढ़ेगा, तो आप देख सकते हो ऑप्शन में से क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो आई का बाद क्या होता है आई का बाद होता है जे के होता है, ओके 2 बढ़ गया, इसके बाद के का बाद क्या होता है एल एम एन होता है, 3 बढ़ गया तो एन हो जाएगा, तो आई के एन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कौन सा रिदिम में दिया है। 138 नंबर का एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन बोला 39% कैन रिपेयर ए रोड इन 12 डेज वर्किंग 5 आवर्स ए डे। बोला 39% एक रोड को 12 दिन में 5 घंटा करके अगर डेली काम करता है तो मरम्मत कर सकता है, तो वही काम को अगर 30% डेली 6 घंटा करके काम करते हैं तो कितना दिन में बना सकता है या मरम्मत कर सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इजी फॉर्मूला, m1d1 t1 बटा w1 इज इक्वल टू m2 d2 t2 बटा w2। ठीक है, तो इसमें जो भी पॉइंट आप लोग को दिया रहेगा लिखना पड़ेगा, बाकी आप लोग को स्किप करना पड़ेगा। कोई भी वर्क नहीं है, या आप बोल सकते हो टोटल वर्क एक है, ठीक है, तो आप लोग नीचे एक लिख सकते हो, ओके। और बाकी जो भी वैल्यू है आपको पुट कर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले एम वन मतलब मैन कितना है, 39 है, और डे कितना लगा है, टोटल 12 दिन है, और इसके लिए आप लोगों का टोटल कितना घंटा का काम कर रहा है, टाइम 5 घंटा। तो एम टू कितना दिया, 30 है, और डेली अगर बोला 6 घंटा करके काम करता है तो टाइम कितना लगेगा, या टोटल कितना डे का टाइम लगेगा, ठीक है। तो डे डी टू इज इक्वल टू आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो जब भी आप लोग कटते हैं तो ऐसे आप लोग कट सकते हैं, 3 × 10 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, ओके। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, 5 × 2 हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 6 × 2 मतलब 12 हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो डी टू इज इक्वल टू आ जाएगा 13, मतलब 13 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मास्टर फॉर्मूला है, आप लोगों को लगाना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं एक वर्ड दिया है एट्रैक्शन, एट्रैक्शन का ऑपोजिट वर्ड एंटोनी मतलब विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, तो एट्रैक्शन का ऑपोजिट होता है रिपल्सन, मतलब उसको एट्रैक्शन मतलब नज़दीक उसको लेके आना, और रिपल्सन मतलब क्या, उसको दूर भगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, व्हिच वॉज द फर्स्ट इंडियन मूवी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर। हिंदी आप देख सकते हैं, ऑस्कर के लिए नामती पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी, तो भारतीय फिल्म कौन सी थी जिसको ऑस्कर मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा ये आपको देना पड़ेगा, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर को आप लोगों को देख के जाना पड़ेगा। इसके बाद 142 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट से आप लोगों का क्वेश्चन आता है, तो एडिजनिंग से एक क्वेश्चन आप लोगों का आएगा डायरेक्शन टेस्ट, जस्ट एक ही क्वेश्चन आता है। इसमें बोला है आप लोग जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके। किरण बोला है नॉर्थ वेस्ट ऑफ ललिता, ललिता अगर इधर रहता है तो उसका नॉर्थ वेस्ट में रहता है किरण, ठीक है, 100 मीटर नॉर्थ वेस्ट में रहता है, ओके। तो ये इधर किरण रहता है, और बोला है मन भी 100 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ ललिता, तो ललिता तो इधर है, तो नॉर्थ ईस्ट में 100 मीटर में कौन रहता है, मन भी रहता है। तो बोला है मन भी किरण का कौन सा डायरेक्शन में, किरण अगर इधर है तो इसका क्या हो जाएगा, ये किरण के पोजिशन हो जाएगा, ये न्यूट्रल पोजिशन हो जाएगा। इससे अगर आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कौन सा पोजीशन में आप लोग देख सकते कि मन भी है, तो मन भी तो ईस्ट डायरेक्शन में है ना, तो ईस्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, तेहरी डैम ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर ऑफ। उत्तराखंड के तेहरी बांध का निर्माण डैश नदी पर किया गया है, तो तेहरी बांध कौन सा नदी का ऊपर किया गया, भागीरथी रिवर का ऊपर निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, सनु इज यंगर देन मनु बाय 7 ईयर, मतलब मनु से सनु 7 साल का छोटा है, और इन दोनों का एज का रेशियो 7:9 है, तो सोनू का एज कितना होगा ये आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो मनु का एज अगर 1 ईयर्स होता है तो सनु का एज कितना हो जाएगा, 1 - 7 उससे 7 साल कम हो जाएगा, तो इन दोनों का एज का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 - 7/x = 7/9 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा सबसे पहले, तो इसको अगर आप लोग कैलकुलेशन करते तो आ जाएगा 9x - 63 = 7x, तो 2x = हो जाएगा 63, तो x = हो जाएगा 31.5, ठीक है। तो x मतलब क्या हो जाएगा, मनु का एज 31.5 हो जाएगा, तो सनु का एज निकालना पड़ेगा, मतलब 31.5 - 7 करना पड़ेगा, तो टोटल आ जाएगा 24.5 ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, जल जीवन हरियाली मिशन इज ए फ्लैगशिप क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव ऑफ व्हिच स्टेट। जल जीवन हरियाली मिशन कौन सी राज्यों की प्रमुख जलवायु परिवर्तन पहल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी आप लोगों का एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें आपको पूछा गया है विच प्राइवेट फाउंडेशन इज सेड टू बिकम द लार्जेस्ट फंडर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, इसमें भी आप लोग का ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग को थोड़ा सा सोच के करना पड़ता है, इसमें सोचने मेरा भी टाइम लगता है, तो आप लोग थोड़ा सा सोच के कर सकते हैं। इसका बाद आप लोग को एक इडियम दिया है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मतलब एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारने का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा अकॉम्पलिश टू थिंग एट द सेम टाइम यूजिंग जस्ट वन एक्शन, मतलब एक ही एक्शन लेके जब हम लोग दोनों काम को कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका idiom का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, आप लोग को बोला है सुइटेबल वर्ड क्या हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा सुइटेबल वर्ड से क्वेश्चन पूछा है और synonym और antonym से, मतलब बाई द टाइम पुलिस अराइव द थीप डैश ओवर द वर्ल्ड, तो ये पास्ट टेंस में दिया है, तो इधर आप लोग का क्या हो जाएगा द थीप हैड बोल्टेड ओवर द वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, विच माउंटेन रेंज कॉम्प्राइजेस द माउंटेन रेंज ऑफ नीलगिरी अनाईमलाई एंड कर्डमम, नीलगिरी अनाईमलाई और कर्डमम इन सभी माउंटेन रेंज, कौन सा माउंटेन रेंज का साथ या पर्वत श्रृंखला का साथ शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था टोटल 50 क्वेश्चन जो 2021 में NFL का मतलब RFCL का एग्जाम में पूछा गया था, तो आप लोगों का रिक्वेस्ट था इसलिए मैं डिस्कशन कर दिया, एटलीस्ट आप लोगों को आइडिया लग गया कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर से मैथ पूछे जाता है, रीजनिंग किस टाइप का आता है, डायरेक्शन टेस्ट से कितना क्वेश्चन आता है, तो सभी कुछ आप लोग को पता लग गया है क्योंकि दोनों पेपर मैं डिस्कशन कर दिया हूँ जो रिसेंट आप लोग का एग्जाम हुआ 2019 और 21 में। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कमेंट कर देना और जितना ज़्यादा हो सके सभी दोस्त के साथ चैनल का लिंक शेयर कर देना। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।